सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं। बोले राधु जी कहते हैं दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर पिंडी पर शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो कोई काम नहीं हो उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का व्यापार का व्यवसाय का जन्म का आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो वो कभी ठप नहीं हो सकता वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं। फुलेरा दूज कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है और फुलेरा दूज का दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो अचानक गिर जाते हो हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकालकर धोकर उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है जिसको दमे की शिकायत होती है श्वास की होती है चलने में हापड़ी भरा जाती हो फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें जिसको बहुत भारी बीमारी हो डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है ऑपरेशन कराना पड़ेगा गांठ हो गई है ये हो गया है वो हो गया है निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती वो केवल फुलेरा दूज पर हो केवल फुलेरा दूज के दिन उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है मौका मिला है आनंद से धतूरा होता है विशेला कैसा होता है विषैला बहुत विष होता है धतूरे के अंदर पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा आनंद का अनुभव नहीं हो रहा पार्वती जी ले गई धतूरा पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को और प्रयास करना अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी धतूरा एक लोटे में डाल दो पानी रख दो उसमें उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए 15-20 मिनट तक शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार पर इसकी महत्व का जो दुकान जो व्यापार जो व्यवसाय और पहले भी आपको कहा मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है बहुत कर्जा है चूक ही नहीं रहा पैसा ही नहीं रहा व्यापार चले तो कर्जा चूके उनके लिए भी निवेदन करूंगा एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर हल्दी में भिंगो कर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर उसी हल्दी की एक बिंदी
अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर लापित होती है, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ, योगर्दानी को हुआ क्या। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है महाराज, विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव, शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी, माता पार्वती जी का हस्त कमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, 2 तली और देव, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है।